गाइस, गुड मॉर्निंग। तो भाई अभी तो मैं क्या है, घर पर ही हूँ गाँव में, और मैं जयपुर नहीं गया अभी सामान वामान खरीदने के लिए। कुछ शॉपिंग वॉपिंग वगैरह करनी है अपन को सामान वामान खरीदने के लिए। तो अभी तो मैं जाऊँगा जयपुर कल, और अभी तो क्या डॉक्यूमेंट्स सब कुछ डॉक्यूमेंट्स तैयार करके फ्री हुआ हूँ। और अपने सामान जो है, अपने जो क्या क्या सामान ले जाने हैं वो सब कुछ लेने के लिए मैं अभी जयपुर जाऊँगा कल के दिन, जब मैं वहाँ पर खरीदूँगा। लेकिन मैं आज सामान की डिटेल जो सारी है, भाई क्या क्या हमको ले जाना है वहाँ पर ट्रेनिंग सेंटर पर, वो सब कुछ मैं बता देता हूँ सब कुछ। अभी तो मैं देखो घर ही हूँ हमारे, जो भी जो है ट्रेनिंग सेंटर पर क्या क्या सामान लेके जाना है वो सब कुछ डिटेल में आज बता देता हूँ। सारी चीज़ सब कुछ सामान जो भी क्या क्या हमको ले जाना है वो सब कुछ मैं आज बता देता हूँ आज की इस वीडियो में। तो भाई सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ, सबसे पहले तो अपनी जो है सादा सिंपल जो है सिविल ड्रेस होती है वो लेके जानी है, दो जोड़ी सिविल ड्रेस ले जानी है। उसके साथ में अपने मोजे लेके जाने, उसके साथ में जो अपने पजामा टी शर्ट है दो तीन जोड़ी, मतलब तीन जोड़ी पजामा टी शर्ट लेके जाने, और दो जोड़ी सिविल ड्रेस वो जो सादा ड्रेस होती है जीन्स के अलावा दो जोड़ी लेके जानी है। लेकिन दो के अलावा एक दो जोड़ी एक्स्ट्रा लेके जाए, तीन जोड़ी तो काफ़ी रहेगी। और टी शर्ट और पजामा ये ज़रूर लेके जाने हैं, दो तीन जोड़ी लोअर लेके जाने हैं, और जो अपने जो हाफ नेकर नहीं होते कि हाफ नेकर वो लेके जाने दो तीन जोड़ी, और अपन को एक लेके जाना है, एक पानी की बोतल लेके जानी है। पानी की बोतल के साथ साथ अपन को जो ट्रिमर होती है ना, जो दाढ़ी वगैरह बनाने की शेविंग करने के लिए ट्रिमर या फिर रेजर वगैरह, ये ज़रूर लेके जानी है। कैंची लेके जानी है, वहाँ पर जो अपने आईडेक्स बेक्स और जुकाम के लिए कोई भी जुकाम बुखार छोटी मोटी ये जो गोली होती है ना जुकाम बुखार की खांसी की, ये गोली लेके जानी है। और जो है तेल लेके जाना है, तेल सरसों का भी लेके जाना है, और जैसे हम बालों में लगाते हैं वो भी लेके जाना है, क्योंकि सरसों के तेल से वहाँ पर क्या मालिश करनी पड़ती है हमको, कभी कभी जॉइंटों में अपने जो घुटने वगैरह होते हैं वहाँ पर मालिश करनी पड़ती है, इसलिए तेल लेके जाना है। जो अपनी जूतों की पॉलिश करने के लिए नहीं आती कि ब्रश और वो जो क्रीम आती है उसकी, वो लेके जानी है। और कोलगेट है, ब्रश है, ब्रश और जो स्टेबलाइजर नहीं होता वो अपने चौवा ठोकने के लिए, वो लेके जाना है। और एक रजिस्टर लेके जाना है, रजिस्टर के साथ में एक डायरी पेन ये सब कुछ होना चाहिए साथ में। और अपने जो डॉक्यूमेंट्स है सबसे इंपॉर्टेंट है, अपने डॉक्यूमेंट्स तो सारे लेके जाने हैं, जितने भी अपने पास जो भी डॉक्यूमेंट्स की फाइल है ना वो पूरी कंप्लीट लेके जानी है। डॉक्यूमेंट्स तो बिल्कुल एक भी नहीं छोड़ना, डॉक्यूमेंट्स के साथ में प्लस 10-12 फोटो लेके जाना है उसके साथ में, जो कि कुछ भी काम पड़ सकता है। और जो अपने खाने पीने के सामान में जैसे बादाम किशमिश काजू जो भी है वो सब कुछ लेके जाने हैं। उसके साथ में ब्रश, कपड़ा धोने के लिए ब्रश लेके जाने, साबुन लेके जाने, साबुन भी लेके जाने। और अगर कोई चाहता है कि कपड़ों को प्रेस करके रखूँगा या फिर प्रेस करके बिना मैं कपड़े नहीं पहनता, वो प्रेस लेके जाए अपनी खुद की। अभी अपनी बेड शीट है, चद्दर है, कम्बल एक दो जोड़ी वो लेके जाए, क्योंकि वहाँ पर सर्दी तो पड़ती नहीं गर्मी पड़ती, इसलिए आराम से जो बिछाकर अपन सो सके वो लेके जाने, चद्दर कम्बल जो भी है एक एक जोड़ी। और अपनी जो फोन वोन चार्ज करने की व्यवस्था है, पावर बैंक वगैरह वो साथ में लेके जाए, जिससे वहाँ पर क्या अमन को किसी आंसू तो नहीं रहना पड़े किसी के। और तकिया लेके जाए अपनी खुद की, जो अब भरने की तकिया होती है ना वो लेके जाए, या फिर कोई सी जैसी भी आपको कम्फर्ट लगे वैसी तकिया लेके जाए वहाँ पर। अपना खुद का लेके जाए तो अच्छी बात है, लेकिन वहाँ से पता नहीं मिले नहीं मिले। और अगर आपके पास कोई लॉक वगैरह थोड़ा बैग है ऐसा भी जिसमें लॉक नहीं लगता, तो उसके लिए लॉक लेके जाए छोटा सा। और सबसे इम्पोर्टेंट ये, सबसे पहले तो यही कोशिश करो कि हमारा लॉक ऐसा बैग हो जिसमें लॉक लग जाए, या फिर जो नंबर वाला बैग नहीं आता ट्रॉली बैग, वो जैसा भी हो लेकिन बैग ऐसा होना चाहिए जिसमें लॉक लग जाए, क्योंकि बाबर बैरक में काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स गए एक साथ रुकेंगे तो उससे क्या थोड़ी सी दिक्कत नहीं होगी तो चकारी की, तो इसलिए ऐसा बैग लेके जाए जिसमें लॉक लगे हो पहले ही। और तो सरफ है, कपड़े धोने का साबुन है, ये सब कुछ साथ में लेके जाना है। और एक कांच ले जाना छोटा सा, जो भी अपने 10-15 रुपए का जो कांच आता है ना छोटा सा कांच कंगी, वो साथ में लेके जाना है। और मेडिसिन किट जरूर लेके जानी है, क्योंकि जुकाम खांसी वहाँ पर ज़रूर हो जाती है, तो इसलिए मेडिसिन किट जरूर साथ में लेके जाए। जो भी बिक्स है, आईडेक्स, जो भी ये ना छोटी मोटी बुखार की या फिर जुकाम खांसी जो भी गोली होती है वो साथ में लेके जाए। और जो भी है आपके हिसाब से, आपको लगता है कि मेरी तबीयत ज़्यादा इस वजह से ख़राब होती है तो उसकी मेडिसिन जो है साथ में लेके जाए ज़रूर। मतलब यही सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है और ले जाने के लिए, और ऐसी कोई खास चीज़ नहीं है। और भी कोई अगर चीज़ आपके दिमाग में आ रही है, कोलगेट ब्रश ये सब कुछ लेके जानी है। और भी कोई चीज़ अगर आपको भाई और भी कोई चीज़ रह रही हो, या फिर आपको पता हो कि भाई ये चीज़ नहीं बताई, तो वो आप कमेंट करके बता सकते हैं सभी साथियों को। और मेरे हिसाब में तो भाई ये चीज़ें ही इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही चीज़ है जितनी मैंने बताई अब तक। मैं भी इन चीज़ों को खरीद कर मैं भी मतलब जो है तैयारी करूँगा, अब जा रहा हूँ गाँव से जयपुर जाऊँगा कल के दिन, फिर मैं वहाँ पर सब चीज़ें खरीद कर फिर एक बार और बता दूंगा भाई मैंने क्या क्या चीज़ खरीद ली। और तो भाई मैं भी बैग अपना बैग जो है तैयार करूँगा, उसके बाद में फिर चलेंगे सभी चेन्नई की तरफ।
तो भाई आप भी जो है सारे सामान खरीद कर सब बैग पैक कर लीजिए, आप लोग भी फिर मिलते हैं चेन्नई में। और भाई कोई भी अगर डाउट हो आपके, कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा हो, कोई भी और भी चीज़ें जरूरत हो आपको, कोई भी समझ में नहीं आ रहा, तो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दे। और कमेंट बॉक्स में भी अगर आपको समझ में नहीं आता ना, तो अपना जो टेलीग्राम है चैनल, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट अपने सभी मतलब लगभग अब तो क्या लगभग सभी स्टूडेंट जो सिलेक्टेड है वो सभी जुड़े हुए हैं। और भी स्टूडेंट है हमारे साथ ही जो नहीं सेलेक्ट नहीं हुए लेकिन फिर भी हमारे साथ बने हुए हैं, तो इसलिए भाई टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। और इंस्टाग्राम चैनल की भी लिंक मैंने दे रखी है डिस्क्रिप्शन में, इंस्टाग्राम भी ज्वाइन कर लो, वहाँ पर भी मैं ये अपने जो जाते हैं ना, अपने जो जाएंगे ये सब कुछ मैं रील्स वगैरह फोटो ये सब कुछ डालता रहता हूँ, इसलिए भाई वहाँ से भी ज्वाइन हो जाओ। और भाई जो भी हम जाएंगे चेन्नई की जो सारी जर्नी मैं इसी चैनल पर बताने वाला हूँ, सब कुछ वीडियो मैं बताने की कोशिश करूंगा, तो इसलिए भाई चैनल से जुड़े रहे। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दो। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद भाई सभी को।